नमस्कार, मैं कनिका वेदी आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। गांधी जी आज के दिन पहली बार गए थे शांति निकेतन। महात्मा गांधी पहली बार अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ 17 फरवरी 1915 को शांति निकेतन गए थे, लेकिन उस समय रविंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता में थे, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। तब गांधी जी ने कहा था कि हालांकि रविंद्रनाथ यहाँ मौजूद नहीं है, फिर भी हम उनकी उपस्थिति को अपने दिल में महसूस कर रहे हैं। गांधी जी जब दूसरी बार 6 मार्च 1915 को शांति निकेतन पहुंचे, तब पहली बार उनकी मुलाकात रविंद्रनाथ टैगोर से हुई थी। गांधी जी 1915 से और 1945 के बीच 8 बार शांति निकेतन गए थे। पहला मौसम उपग्रह वैनगार्ड 2 आज के दिन किया गया था प्रक्षेपित। उपग्रहों ने मौसम भविष्यवाणी की प्रक्रिया को नया आयाम दिया है। मौसम विज्ञान उपग्रह वैनगार्ड 2 का प्रमोचन 17 फरवरी 1959 को किया गया था। इसका डिजाइन बादलों के आवरण के मापन के लिए किया गया था, लेकिन इससे अपेक्षा के अनुरूप उपयोगी डाटा नहीं इकट्ठा किया जा सका था। इसके बाद मौसम विज्ञान उपग्रह TIRAS-1 का प्रमोचन 1 अप्रैल 1960 को फ्लोरिडा के कैप कैनेवेरल से किया गया। इसे उपग्रह आधारित मौसम विज्ञान सेवा का प्रारंभ कहा जाता है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर आज के दिन खेला गया था पहला टेस्ट मैच। सिडनी में पहला टेस्ट क्रिकेट मैच 17 फरवरी 1882 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 5 विकेट से जीत लिया था। उस समय बैट्समैन यहां तेजी से रन नहीं बना पाते थे और इंग्लैंड पहले बैटिंग करते हुए पहली बारी में केवल 133 रन ही बना पाया था। जॉर्ज पामर ने उस मैच में शानदार बॉलिंग करते हुए 11 विकेट लिए थे, जो उनके करियर का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। सिडनी में पहला अर्धशतक डिक बार्लो ने बनाया था। महान क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के का आज के दिन हुआ था निधन। महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता वासुदेव बलवंत फड़के का निधन अदन की जेल में 17 फरवरी 1883 को हुआ था। फड़के को आदि क्रांतिकारी कहा जाता है। फड़के ने महाराष्ट्र की कोली, भील और धांगड़ जातियों को एकत्र कर रामोशी नामक क्रांतिकारी संगठन बनाया था और मुक्ति संग्राम के लिए धन एकत्र करने को धनी अंग्रेज साहूकार को लूटा था। फड़के ने पुणे नगर को कुछ दिनों के लिए अपने नियंत्रण में ले लिया था। कालापानी की सजा के दौरान ब्रिटिश अत्याचार से दुर्बल होकर अदन की जेल में उनका देहांत हो गया था। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 17 फरवरी दिन बुधवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है बुद्धि विवेक। मेष, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 52%। संतान से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति संभव है। आपकी सभी आवश्यक जरूरतें पूरी होने वाली हैं। कार्यों के सरलता से पूर्ण होने के योग हैं। अनुकूलताएं बने रहने के योग हैं। शुभ रंग नारंगी वैधानी तथा निषेध रंग हरा व काला। वृष, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 67%। घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है। कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणाम मिलेंगे। नौकरी पेशा वर्ग को प्रशंसा प्राप्ति होगी। शुभ समय व्यतीत होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद हरा तथा निषेध रंग लाल पीला। मिथुन, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 77%। प्रेम जीवन सुकून भरा रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में होने के योग है। शुभ रंग हरा का ही धानी तथा निषेध रंग पीला बसंती। कर्क, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 39%। पदोन्नति अथवा अच्छी नौकरी के अवसर आ सकते हैं। समय आपके अनुकूल नहीं है। काम का थोड़ा बोझ अधिक है। जिम्मेदारी को सहजता से निभाएं। मानसिक परेशानियां उत्पन्न होने के योग हैं। शुभ रंग हल्का हरा धानी तथा निषेध रंग सफेद नारंगी। सिंह, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 59%। नेतृत्व करने की प्रवृत्ति रह सकती है। किसी छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। नए नए लोगों से संपर्क बढ़ेंगे। अपनी सूझबूझ से कार्य को आगे बढ़ाएंगे। कार्य क्षेत्र में शुभ समाचार प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग हरा लाल तथा निषेध रंग काला नीला। कन्या, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 77%। अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं। करियर में आपकी स्थिति सामान्य से कहीं बेहतर रहने वाली है। सफलता के योग हैं। निजी जीवन सुखी रहेगा। भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग हरा का ही धानी तथा निषेध रंग पीला बसंती। तुला, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 76%।
आपके सभी काम ठीक से चलते रहेंगे। मन दुविधा में रहने के कारण निर्णय लेने की क्षमता कमजोर रहेगी। वाहन आदि चलाते समय सावधानी बरतें। जोखिमपूर्ण कार्यों से बचें। अनुकूलता बने रहने के योग हैं। शुभ रंग सफेद हरा तथा निषेध रंग पीला लाल। वृश्चिक, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 57%। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। रोजगार में वृद्धि होगी। विवाद से बचे। निवेश, यात्रा व नौकरी अनुकूल रहेंगे। प्रसन्नता रहेगी। दूसरों के साथ व्यवहार करते समय उनके मान सम्मान का ध्यान रखें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग नारंगी धानी तथा निषेध रंग सिंदूरी। धनु, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 51%। रिटेलर्स और मैन्युफैक्चर को व्यापार में वृद्धि की उम्मीद है। आपको अपने मन का करने का मौका मिलने वाला है। सामाजिक स्तर पर सक्रिय रहने का प्रयास रहेगा। संतान के प्रति चिंता हो सकती है। घरेलू समस्याओं से घिरे रहने के योग हैं। शुभ रंग बसंती धानी तथा निषेध रंग काला जामनी। मकर, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 74%। बौद्धिक और सृजनात्मक कार्यों में आप उत्तम प्रदर्शन करेंगे। जीवन साथी के संग समय व्यतीत करेंगे। व्यवसायियों को व्यापार विस्तार के अवसर आएंगे। शुभ फल प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग नीला काला तथा निषेध रंग पीला लाल। कुंभ, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 75%। आप धार्मिक कार्यों पर काफी खर्च कर चुके हैं और फिर से किसी पूजा पाठ पर खर्च हो सकता है। विलासी जीवन का खर्च बढ़ेगा। जोश के साथ काम करें। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। अनुकूलता बने रहने के योग हैं। शुभ रंग नीला काला हरा तथा निषेध रंग पीला बसंती। मीन, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 52%। शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नए कपड़ों की खरीदारी करेंगे। व्यापार के लिए अच्छा समय चल रहा है। माता पिता से संबंधित चिंता रह सकती है। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बने रहने के योग हैं। शुभ रंग बसंती तथा निषेध रंग धानी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय दोपहर 12:22 से 2:06 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी को 0121-266-888 या 0983706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।